morning. Hello everyone, what is up? So this is my first and last vlog. इससे पहले ना ही मैंने कोई vlog बनाया है और ना ही कभी बनाऊंगा. ये एक बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से, इसको दोबारा कभी नहीं करेंगे. तुम लोग भी मत करना प्लीज़. तो anyways, तो मुझे पता नहीं है vlog कैसे बनाते हैं, तो मतलब जैसे ही मुझे जैसा सही लग रहा है, जहाँ जहाँ जितना मैंने देखा है वैसे ही मैं बना देता हूँ. सो बेसिकली तो जो भी मैं कुछ करने वाला हूँ मैं सब वो रिकॉर्ड कर डालूँगा, और कोई कोई जगह पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ऑब्वियसली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है. मैं हॉस्टल में रहता हूँ और कॉलेज के नाम में मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि मुझे थोड़ा प्राइवेसी चाहिए. सो एक्चुअली ये वीडियो मंडे को शूट करने वाला था, बट कुछ समझ में नहीं आया कि क्या शूट करूँ क्या ना शूट करूँ, तो इसीलिए ट्यूसडे को कर लो. तो देखता हूँ. यस, तो बेसिकली अभी मैं करीबन 7 बजे उठा था और अभी आधा घंटे हो गए. वॉशरूम गया था, का फेस धोया, फिर ब्रश करना बाकी है, उसके बाद शावर लूँगा, उसके बाद मैस जाऊँगा ब्रेकफास्ट करने के लिए, उसके बाद कॉलेज. 9:30 को कॉलेज है तो अभी थोड़ा टाइम है. तो बेसिकली कुछ असाइनमेंट भी है, देखता हूँ पॉसिबल होगा करना. तो यस, तो एक क्विक व्यू दिखा देता हूँ अपना रूम का, जैसे मैंने डेकोरेट किया है. बेसिकली मैं फ्रेश हो गया एंड मैंने चेंज कर लिया, ब्लॉग शॉवर लिया, मैंने फ्रेश कर लिया और आज मेरा प्रेजेंटेशन है. सो सब कुछ ठीक है, प्रिपेयर्ड भी हूँ, बट जस्ट ये थोड़ा सा एक मैनेजमेंट का स्टूडेंट के हिसाब से सही नहीं लग रहा है. इसको मैं वेडनेसडे या थर्सडे तक ठीक करवा लूँगा. ये थोड़ी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, इसको दोबारा नहीं करेंगे और तुम लोग को भी बोलूँगा ये नहीं करने के लिए. तो ऐसे मन था एक बार करने के लिए, देखने के लिए कैसा लगता है, तो मैंने कर लिया, दोबारा इसको ट्राई नहीं करेंगे. एनीवेज, तो सब कुछ सही है. मेरे को जाना है अभी, मैंने असाइनमेंट तो एक मिला था छोटा सा, वो मैंने ख़त्म कर लिया. प्रेजेंटेशन है आज, तो करीबन 9 बज गए. मैं मैथ जाऊँगा अभी, मैथ जाके ब्रेकफास्ट करूँगा, उसके बाद कॉलेज जाऊँगा. तो मैं छोटा सा क्योंकि व्यू दिखा दूंगा कॉलेज और मेस का. सो दैट्स इट. ये बात अलग है कि मुझे नींद बहुत आ रही है, मैं मुश्किल से 2-3 घंटे सोया हूँ आज.
कि करीबन मैं 5 बजे सोया, असाइनमेंट वो प्रोजेक्ट जिसकी मैं बात कर रहा था यूट्यूब पे, उस प्रोजेक्ट और यहाँ पूरे बहुत देर तक, और बैटरी ज़्यादा चला नहीं तो मुश्किल से 3 घंटा प्रोजेक्ट पे लगा, 3 से 4 घंटे और सॉल मेन मेरा टाइम लग गया कंपनी अकाउंट्स में, उसको बुक्स के थ्रू गया, यूट्यूब में देखा, गूगल में देखा, लेकिन थोड़ा सा भी पल्ले नहीं पड़ा मुझे। ऑनेस्टली मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया सर, तो मैंने अच्छे से क्या बोलूँ, अच्छे से मेरे को सुनाएंगे कि इतना कुछ समझाने के बाद भी कुछ नहीं समझा, पता नहीं, क्योंकि मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। इतना सा वीडियोस, इतना सा वेब ब्राउज़र में सर्च करके, इतना बुक्स में इतना घुस के मैं पूरा लात जगा ला उसको समझने की कोशिश किया, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कंपनी अकाउंट्स का छोटा सा भी चीज़। तो आई एम नॉट श्योर व्हाट्स गोना हैपन, तो देखते हैं, सर को मैं ख्वाबा बोलूँगा अच्छा समझाने के लिए, आई एम नॉट श्योर, सर को अच्छा तो नहीं लगेगा, देखता हूँ क्या होता है। सो या दैट्स इट, तो अभी मैं अपने फ्रेंड्सों के पास जाऊँगा, फिर उन लोग को बोलूँगा चलो मैच चलते हैं, मैच जाएंगे वहाँ पे, मैच वहाँ पे होगा, मतलब थोड़ा आगे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, और उसके बाद खा वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट करके फिर जाएंगे। सो प्रेजेंटेशन के लिए मैं रेडी हूँ, बस ये है थोड़ा सा प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, मतलब एक मैनेजमेंट का मैं स्टूडेंट हूँ और मैनेजमेंट के एक स्टूडेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, एक गलत इम्पैक्ट दे रहा है, इनफैक्ट बीइंग अ यूट्यूबर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। सो दैट्स इट, सो लेट्स।
of the actual behavior. So first let's see what's on the actual behavior. So the understanding of human beings, projecting their behavior and making their work as fully managed. That's known as organizational behavior. It helps us to grow the business more in a good way. It's also a type of psychology. It's also one kind of psychology. It's also one kind of psychology which helps us to learn about human beings, how they talk and how we should see them to work, how we should understand them so they can work in much better way. So, and after that, like a head of Subham for them to. बस वगैरह पूरा प्रेजेंटेशन ख़राब कर दिया मैंने, अब उसी का डर लग रहा है कि क्या होगा। सो मतलब प्रेजेंटेशन मैंने ख़राब कर दिया नर्वस होके। अभी तो प्रेजेंटेशन के बाद बाला बीच पे लंच था तो मैं मेस गया था, मेस जाके खाना खाया। सो हॉस्टल और कॉलेज 5 मिनट का रास्ता है तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो मैं जाके खाना खाया और अभी आया हूँ। तो अभी 1:10 हो रहा है, 1:20 पे क्लास स्टार्ट होगा। तो कॉलेज के टाइम मैं बहुत बिजी रहता हूँ तो फ़ोन निकालने का भी मौका नहीं मिलता है। तो फिर हाँ, कुछ टीचर्स हैं जो स्ट्रिक्ट हैं, लाइक फ़ोन अलाउड नहीं है, डिसिप्लिन में रहो। लेकिन ये हेयर के लिए किसी टीचर ने बोला नहीं कि नहीं ऐसा कलर नहीं चलेगा, बट फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट मुझे ये नहीं करना चाहिए था और मैं तुम लोग को भी बोलूँगा कि ऐसा मत करना। सो हाँ, अभी हो गया और 3:20 पे छुट्टी होगा। तो मेरा आज कंप्यूटर लैब है। एक दो तीन सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे अटेंड करने हैं, लेक्चर्स। उसके बाद 3:20 को छुट्टी होगा, उसके बाद मैं आगे का रूटीन दिखाता हूँ मैं क्या होने वाला, ठीक है। सो बेसिकली क्लास 3:20 पे ख़त्म होती है, लेकिन आज 3:30 हो गया, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स चल रहे थे तो मैं तो बहुत थक गया, मुझे नींद भी आ रही थी। मैंने आँख में पानी डाल के मैंने खुद को संभाला। सो यार, कॉलेज का टाइम ख़त्म हो गया, कोई नहीं दिख रहा, सब कोई घर जा रहे हैं। अभी हॉस्टल जा रहा हूँ, उसके बाद देखता हूँ मैं जाऊँगा। सबसे पहले अपने कपड़े धोऊँगा, चेंज करूँगा, नॉर्मल क्लोथ्स में जाऊँगा, टी शर्ट्स लगा के, शर्ट पहन के नहीं रह सकता। एंड उसके बाद क्लोथ्स धोने के बाद मैं देखता हूँ उसके बाद क्या करना है, लाइक आई नीड टू फिक्स सम स्टफ्स। तो मैं आ गया रूम में, थोड़ा लेट लगा, हाँ कुछ ज़्यादा ही लेट कर दिया मैंने, हमने थोड़ा टाइम पास ज़्यादा किया मैंने। तो मैं चेंज कर लिया होम ड्रेस में और ये लाए कपड़े, अब इनको धोने जाऊँगा मैं, जो कि आधा घंटा ले लेगा, आधा घंटा एक घंटा लग जाएगा मेरे को धोने में। उसके बाद धोने के बाद मैं थोड़ा देर बैठूँगा, कुछ असाइनमेंट्स अगर कुछ देखूँगा, कुछ वर्क्स हैं जो करने वाले हैं वो सब मैं करूँगा, क्योंकि आज तो बेसिकली नहीं मिला है। तो मैं कुछ और चीज़ देखूँगा, थोड़ा सा लेस करूँगा थोड़ा सा, अगर ऐसा आज कुछ असाइनमेंट नहीं मिला है, ऐसे तो मैं कुछ करता हुआ ऐसा मिल जाता तो, लेकिन असाइनमेंट नहीं है तो मैं थोड़ा यहाँ पर रेस्ट करूँगा। उसके बाद स्नैक टाइम होगा, स्नैक्स मैं उसमें जा कर करूँगा, फिर थोड़ा देर बास्केटबॉल खेलूँगा, उसके बाद थोड़ा देर बैठूँगा प्रोजेक्ट पे, उसके बाद डिनर हो जाएगा, डिनर का टाइम हो जाएगा। डिनर के बाद वेल पता चलते रहेगा कि मैं अभी आगे क्या करने वाला हूँ। सो अभी बोल के कोई फ़ायदा है नहीं, तो ठीक है, मैं ज़रा क्लोथ्स धो के आ जाता हूँ, 1.5 आवर लगेगा।
सो मैंने कपड़े धो दिए और कपड़े धोने के बाद अब तो ठीक है, बट मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे नींद बहुत आ रही है। कल रात को भी मैं सोया नहीं था, 5 बजे सोया, मुश्किल से 3 घंटा सोने पाया मैं, और ऊपर से लाइट भी चली गई तो कोई और ऑप्शन नहीं है। थोड़ा देर बैलकोनी में ये बिछाऊंगा और ले जाऊंगा, ठंडी हवा भी आएगी, आधा घंटा एक घंटा सोऊंगा, उसके बाद देखते हैं। सो हुआ 1.5 घंटा तक मैं सोया और अब उठा, पहले मुंह धो लिया, अब थोड़ा देर इस पर काम करूंगा, ये प्रोजेक्ट में मैं अभी स्टार्ट किया, थोड़ा देर यहाँ पर बैठूंगा, 1 घंटा से काम करूंगा, उसके बाद मैं प्रोजेक्ट पे काम करने वाला हूँ, ऑब्वियसली यूट्यूब का प्रोजेक्ट, उसके बाद क्या मैं जाऊँगा स्नैक्स के लिए। मैंने थोड़ा देर वॉक वॉक किया 1.5 आवर जितना, अब थोड़ा देर जिम में बिताऊंगा, उसके बाद तो 1 आवर जैसे जिम में, उसके बाद मैं तो करीबन 4:30-5 बजे मैं यहाँ पे बैठा था वर्क करने के लिए, मैंने दिखाया, उसके बाद 1 घंटा काम किया, उसके बाद दोस्तों को बोले कि चलो बास्केटबॉल खेलने जाते हैं, तो मैं बास्केटबॉल खेलने गया, और अभी 7:30 बज चुका है, तो आधा घंटा और रेस्ट करूँगा, उसके बाद मैच जाऊँगा डिनर करने, 8 बजे डिनर होता है मेरा, तो डिनर करूँगा और इसको आज निपटा दूंगा, तो जो आधा घंटा मिलेगा आधा घंटा में इसको निपटा दूंगा, 2 घंटे लगेंगे इसमें। अगली बार मैं एडवांस में बोल रहा हूँ, लाइक जितने भी स्टूडेंट्स हैं या आप सब बच्चे हैं, ऐसा कभी मत करना, मैं बोल रहा हूँ, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है कि क्यों किया है, मत करो, या कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बट एज अ स्टूडेंट, एज अ मैनेजमेंट मैनेजमेंट स्टूडेंट और एज अ यूट्यूबर ऑल्सो, एक नॉर्मल इंडियन बीइंग के हिसाब से भी ये एक गुड हैबिट नहीं है एक्चुअली मेरे हिसाब से, बस एक बार ट्राई करना चाहता था कि कैसा लगता है, सो ट्राई कर लिया, अच्छा लगता है, बट ऑनेस्टली अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा लगना, और द वर्स्ट पार्ट इट इज़ कि सब कोई तुमको ही देख रहा है कि ये देखो कलर किया, मैं एक यूनिक पीस दिख रहा था यहाँ पे, तो ठीक है, तो बस हो गया, तो इसको मैं ब्लैक कलर आज कर लूँगा, तो इसमें 2 घंटे लग जाएंगे आराम से, तो दिक्कत नहीं है, मैं लगा लूँगा और फिर कपड़े से बांध के वापस मैं यहाँ पे काम पे लग जाऊँ, वापस यहाँ पे काम पे लग जाऊँगा, तो वापस मैं रात तक, आज रात को 5 बजे तक जागूंगा, क्योंकि एनी हाउ मेरे को ये प्रोजेक्ट जल्दी ख़त्म करना है कि डायरेक्टर ऑफ फ्रंटियर पर मैं काम स्टार्ट कर सकूँ, तो देख सकते हो, मतलब कॉलेज, मतलब मैं अभी क्विक व्यू दिखा देता हूँ, क्विक व्यू दिखा देता हूँ, सुबह 6 बजे उठना, फिर कन्हाना खाना, वो बैग मिलाना, फिर वगैरह सब करते करते 8 बज जाते हैं, 8 बजे फिर मैस जाओ, खाना खाते खाते वहाँ पे भी टाइम लग जाता है, उसके बाद हॉस्टल कॉलेज 9:30-3:30, और कभी कभी लेट लेक्चर बहुत लेट तक भी चलता है, तो 3:30 अलार्म से बज जाते हैं, फिर यहाँ पे आने के बाद सीधा मैं कपड़े धोता हूँ, तो उसमें पकड़ लो 4:30 बज जाता है, फिर आधा घंटा लेस करता हूँ तो 5, उसके बाद थोड़ा सा जिम, क्योंकि ऑनेस्टली पूरा दिन अगर मैं कंप्यूटर पे बैठूँ और या तो वो स्टडी करूँ तो मेरा जो स्टैमिना है बहुत कम हो जाएगा, तो एटलीस्ट मुझे जिम तो करना ही पड़ेगा, मैं जिम नहीं करता, मैं पुशअप्स क्या बोलते हैं कि लिफ्टिंग वगैरह सब ज़्यादा नहीं करता, सिर्फ मैं पुशअप्स क्लंचेस वगैरह सब करता हूँ और थोड़े बहुत क्या बोलते हैं उसको थोड़े बहुत लिफ्टिंग करता हूँ, बस हल्का सा ग्लो करने के लिए, हल्का सा, तो ज़्यादा कुछ तो ग्लो होता नहीं है, उसके बाद मैं बास्केटबॉल खेलने जाता हूँ थोड़ा स्टैमिना ग्लो करने के लिए, और स्पोर्ट्स थोड़ा ज़रूरी भी है क्योंकि बास्केटबॉल वन ऑफ माई फेवरेट स्पोर्ट, ये बात अलग है कि मुझे आता उतना है नहीं, उतना क्या बिल्कुल नहीं आता, फिर भी मैं खेलता हूँ थोड़ा बहुत, तो ये करने के बाद आराम से टाइम लग जाता है, उसके बाद अब एनी आओ घुमा फिरा के भी मैं बोलूँ तो 7 बज ही जाता है सारे काम करते करते, और 8 बजे फिर मैच जाओ, फिर थोड़ा देर हम लोग वैसे ही ठंडी हवा चलती है खाना खाने के बाद, तो हम लोग 2-2.5 घंटा या 15 मिनट जैसे कॉलेज के आसपास घूमते रहते हैं कि खाना डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा डाइट यहाँ पे हैवी
अभी नहीं बोलूंगा, मतलब ऐसे ही जस्ट फॉर द टॉक, हल्का बहुत हैंग आउट फ्रेंड्स, तो नाइट आउट टाइप ऑफ नाइट आउट ही करते हैं। हाँ ये बात अलग है, 12 बजे के बाद नहीं करते, 8:30 बजे के बाद करते हैं, और 2-3 राउंड मार के 15 या आधा घंटा, उसके बाद मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, कुछ असाइनमेंट होते हैं वो ख़त्म करता हूँ, थोड़े बहुत स्टडीज़ करता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं BBA का स्टूडेंट हूँ, मुझे अपने स्टडीज़ पे भी फोकस करना होगा, और फिर जो टाइम मिलता है तो मैं यहाँ पे करता हूँ। सैटरडे संडे ऑफ रहता है तो उस दिन मैं थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, सैटरडे संडे सर कॉलेज का ऑफ रहता है तो मैं उस दिन थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ। मैं लैपटॉप चार्ज करने के बाद सिर्फ 3 घंटे चलता है, तो 1.5 घंटे मैंने चला लिया और 1.5 घंटे चलेंगे, तो एक दिन में मैं सिर्फ 3 घंटे यूज़ कर, तो एक घंटे दिन में मैं सिर्फ 3 घंटे प्रोजेक्ट पे लो मैक्स पे देने पाता हूँ, तो ये ला लाइफ। और थोड़े बहुत चीज़ है जो मैं शायद तुम्हें दिखा दूँ, मैं कुछ बचा तो नहीं है, फिर भी देख लो थोड़ा बहुत एक एक व्यू दिखा दूँगा, लाइक नहीं और तो कुछ बचा नहीं, ऑनेस्टली और कुछ बचा नहीं। हो सके तो शाम को थोड़ा बहुत हम लोग मस्ती करेंगे, डिनर करने के बाद वही गाना सुनेंगे, थोड़ा चिल करेंगे, मतलब चिल करते हैं, मतलब गाना गाते हैं, और थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ की बातें, यही किसी की खिंचाई करना वगैरह सब, तो इतना में हो जाता है। वही एक दिन में मैं प्रोजेक्ट को 3 घंटे देने पाता हूँ, और सैटरडे संडे हो तो 6 घंटे, क्योंकि लैपटॉप को चार्ज भी करना पड़ता है, तो ये ला मेरा, तो ये था मेरा फर्स्ट एंड लास्ट व्लॉग, इसके बाद से मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगा। ये व्लॉग का मेन मोटिव था मैं बनाने का, कि दिखाने के लिए कि मैं टाइम पास यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे टाइम नहीं मिलता बोल के मैं नहीं बनाने पाता हूँ। तो आई होप यू गाइस आपको अच्छा लगा हो, लाइक हाँ मैंने कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं दिखाया, मुझे दिखाना चाहिए था मैं बास्केटबॉल कैसे खेल रहा हूँ वो दिखाना चाहिए था, बट वो थोड़ा सा एम्बेरसमेंट हो जाता और मैं मीम्स भी बन जाता, सो अच्छा नहीं दिखा। प्रेजेंटेशन का मैंने डाला है कि मैंने कैसे प्रेजेंटेशन किया था, जो कि वो भी खराब ही किया है, बहुत खराब किया, बात नहीं करता उसके, तो इस ब्लॉग में कुछ खास था नहीं, तो बेसिकली मैं इसके लिए आपको बोल नहीं सकता कि इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक लो मैक्स अगर चाहिए तो मोटिवेशन मिलती है, तो ये वीडियो पे मैं कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। ये वीडियो का मेन मोटिव था आप लोगों को बताने के लिए कि मुझे कितना टाइम मिलता है और सब, और लास्टली मैं ये बोलना चाहूँगा, ये मत करना बिल्कुल नहीं, नहीं ये बैड हैबिट है, ये कभी मत करना, ये गलत चीज़ कभी मत करना, ठीक है, मेरे से गलती हो गई, मैं इसके लिए अपोलॉजी भी देने के लिए तैयार हूँ, और अगर मुझे कुछ पेनल्टी नहीं, लाइक कुछ एक क्या बोलते हैं उसको, अगर इसके लिए मुझे कुछ करना भी पड़े, लाइक सॉरी के लिए कि आई एम सॉरी वगैरह सब, तो मैं वो करना भी तैयार हूँ, क्योंकि हाँ मैंने गलती की, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने गलती की है इसको करा के। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, फॉर देन बाय बाय।